जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। दो चीजां पक्कियां जो डीजे दा शिंगार ने, एक पासे संद दूजे पासे मैं गिटार ने, टुड्डियां दे पैरे थल्ले। उम्मीद है कि आप सब ख्याल खैरियत से हो, तो वेलकम बैक और एप्सन अदर व्लॉग के अंदर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि आज धूप निकली है, क्योंकि काफी दो चार हफ्तों से धूप नहीं निकली थी और ठंड खीर हुई हुई थी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी कटिंग कराने, क्योंकि काफी दिन से मैंने कटिंग नहीं कराई और मेरे बाल इस टाइम जानवर वाले हुए हैं। कटिंग कराने आ गए हैं, ठीक है। अभी भाई उधर खाना खा रहे हैं, वो खाना खा के हमारी कटिंग करेंगे। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कटिंग हो गई हमारी, ठीक है। वो बाल ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं, तो अभी फिलहाल हम आए थे TNT के ग्राउंड में चक्कर वगैरह लगाने, तो इधर तो ग्राउंड का सत्यानाश हुआ हुआ है। सेलिब्रिटी आता है ना, उसके लिए बहुत फूल पहुँचाते हैं, ठीक है, आतिफाजी करते हैं। हमारे जब हम लोग आए हैं तो हमारे लिए टट्टी हाजिर की हुई थी उन्होंने। फिर मेरा स्कूल भी आपको, वो भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों से एक ही ख्वाहिश, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा दोस्त है, हादी का दोस्त भी है, मेरा दोस्त भी है, सबका ही दोस्त है यार। ये स्कूल है जहाँ पे मैं तकरीबन 3 से लेके 10 तक यहीं पे पढ़ा हूँ मैं। तो ये वाली गर्ल्स कैंपस है और ये जो साथ ही बॉयज़ कैंपस है। ओके यार, एक बॉयज़ कैंपस को छोटा, गर्ल्स कैंपस को बड़ा। जो यार जो गर्ल्स कैंपस है ना, उसमें तकरीबन नर्सरी भी थी, 1-2 सारा इधर कुछ ही था। तो जो बॉयज़ कैंपस है यहाँ पे सिर्फ आप लोग यहाँ पे हो जाता शुरू 6 से लेके 10 तक। हाँ, ये बॉयज़ कैंपस था। तो ये इसका यहाँ से गेट खुलता है वापसी के लिए, बड़ा मेन गेट भी दिखाता हूँ आपको। ये स्टॉप पर बच्चे जिन्होंने यहाँ पे पोजीशनें हासिल की हैं, 400 कुछ प्लस नंबर लिए हैं। ये स्कूल का मेन गेट है, तुम लोग चेक कर लो। मैं तुम लोग को अपनी तस्वीर भी दिखाता हूँ जहाँ पर मेरा पोस्टर लगा हुआ है, चेक करो आपका भाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने जीप से एक्सपेरिमेंट करा था, मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या करें, लेकिन बस उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो बनानी है, खड़े हो जाओ थर्मामीटर लेके। थर्मामीटर नहीं, पता नहीं जो भी था, मैं बस पकड़ के खड़ा हो गया था। और साथ ही आपका भाई मशहूर हो गया, पोस्टर लग रहे हैं आपके भाई के। तो ये वो कमरा जो हम लोग तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। मेरे पिछले हमने ब्लॉग में देखा होगा, ये कमरा ना नीचे से फर्श का नहीं था, तो ये इसका फर्श वगैरह लगवा के सारा ये जो कमरा रेनोवेट करवा रहे हैं। इसका वॉशरूम हम लोग तैयार करवा रहे हैं, तो ये चेक करो, वॉशरूम सारा बन बुन गया हुआ है। बस अब इसका मेन काम इसकी लाइटिंग रहेगी, लाइटिंग वगैरह लगने के बाद इसके स्विच वगैरह सब ओके हो जाएगा, उसका फिर अगला कमरा तैयार कराना है।